अहमदनगर शहरापासून अवघ्या 15 किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या इसळक येथील वैष्णवदेवी मंदिर अहमदनगर जिल्ह्यात प्रसिद्ध आहे. नवसाला पावणारी देवी अशी ख्याती असल्यामुळे भाविक मोठ्या प्रमाणात दर्शनासाठी मंदिरात येतात. नवरात्र उत्सवात वैष्णवदेवीच्या मंदिरात कोरोना नियमांचं पालन करून विविध धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलंय. 5व्या माळेला वैष्णवदेवी मंदिरात पंचायत समितीचे उपसभापती डॉक्टर सुनील पवार यांच्या हस्ते देवीची आरती करून महाप्रसादाचं वाटप करण्यात आलं. वैष्णवी माता मंदिर परिसर में आज 5वां दिन है. 5वें दिन जो है पंचोपचार कलश पूजन, देवी का पंचोपचार पूजन किया. नौचंडी यज्ञ चालू किया गया है होम कुंड में, उसमें पंचोपचार पूजन किया. श्री दत्ता गुरु जी के माध्यम से ये मंदिर का पूजन चल रहा है. हम पुजारी वाराणसी से काश पांडेपुर काशी विश्वनाथ मंदिर से आए. हमें आकर के यहाँ बहुत दिन हो गया, लेकिन यहाँ का पूजन जो है सब जो है पंचोपचार विधि से किया जाता है. आज 5वें दिन जो है भगवान का पूजा हुआ, कलश का पूजन हुआ, देवी का पूजन हुआ. नीचे राम लक्ष्मण सीता दत्तात्रेय और गोरक्षनाथ का पंचोपचार पूजन किया. इसके बाद जो है भैरवनाथ का पूजन किया गया है. भक्तों से अनुरोध है कि आज आकर के आप लोग जो है मंदिर का दर्शन लेकर के अपने को कृतार्थ करें, तथा आज जो है पंचमम स्कंद माता पृष्ठम कात्यायनी च, आज 5वां दिन है, स्कंद माता का दिन है. आप लोग आकर के दर्शन लीजिए और दर्शन लेकर के इस मंदिर को जो है कृतार्थ करें. और तथा जो है भक्तों से हमारा निवेदन है कि आकर के अपने जीवन को जो है भगवान के मध्य समर्पित करें. जय माता. सध्या पाऊस चांगल्या प्रमाणावर झाल्यानं मंदिर परिसर हिरवागार वनराईने नटलाय. महानगर न्यूज डेस्क, महानगर न्यूज ब्युरो, अहमदनगर.